सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव। मेरा नाम अमित प्रकाश हुआ और लिखने का मुझे पहले से शौक था, पर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए लिखता था और किसी को नहीं सुनाता था। ये 7 साल से चलता आ रहा था, पर जब वो इंसान दूर हुआ तो फिर हमको खुद का वैल्यू पता चला कि कुछ तो 0.1% कुछ तो है मेरे अंदर, या कुछ तो है, तो इससे अपना ओवरकम करते हैं या कोशिश करते हैं। पर नहीं, सैड नहीं होगा, एकदम पक्का है सैड तो नहीं होगा। पर हाँ, तो उस किसी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा शिव भक्त हूँ, तो उसी को कॉन्टेक्स्ट में लेके, गंगा की पावन धारा हो तुम मस्त हवा आवारा हो, पवित्र हो तुम सीता जैसी रूप तुम्ही पे वारा हो, राधा जैसा मोह है तुम में मीरा जैसी वाड़ी हो, राधा जैसा मोह है तुम में मीरा जैसी वाड़ी हो, कृष्ण सा मैं आभारी तुम पर तुम रुक्मिणी सी राजकुमारी हो, धारा सी बहती भी हो बिन पूछे सब कहती भी हो, धारा सी बहती भी हो बिन पूछे सब कहती भी हो, मैं यमुना का छोर किनारा पल पल स्पर्श करूं तुम्हारी धारा। वाह क्या, बहुत अच्छा। तुम राधा सा प्रेम निभाना मैं मोहन बन जाऊंगा, सीता सी तुम समर्पण दिखाना मैं राम का फर्ज निभाऊंगा। अगर आंच आई तुम पर मैं रौद्र रूप दिखलाऊंगा, प्रेम समझ पूजा है तुमको समर्पण भी दिखलाऊंगा। तुम रुक्मिणी सा मुझे बुलाना मैं माधव सा चलाऊंगा, रुक्मिणी सा मुझे बुलाना मैं माधव सा चलाऊंगा। तो दूर हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा खुद का ये डिसीजन है, मैं जिसके लिए था हूँ और उसी के लिए रहूँगा लाइफ में, किसी के लिए। हाँ सही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। हाँ कोई नहीं चलेगा। तो फिर है किसी की व्यक्तित्व पे ही लिखा था मैंने, मंदिर का मिला प्रसाद कहूँ या पंछी फिर आजाद कहूँ, अंतर मन का शोर कहूँ या भक्ति में विभोर कहूँ, कहने को तो हृदय रूप का दर्पण मैं कह सकता हूँ, मन में बसा जो रूप है उसका अर्पण मैं कह सकता हूँ, कह दूं जो मैं रूप चांदनी वो भी कम पड़ जाएगा, रूप तुम्हारा लिख पाने को कलम भी नम पड़ जाएगा, पात्र तुम्हारा सरल रूप सा चंचलता सिवानी है, पात्र तुम्हारा सरल रूप सा चंचलता सिवानी है, व्यक्तित्व तुम्हारा शीतल सा जल हृदय बड़ा स्वाभिमानी है। लिखने को तो रूप तुम्हारा शीतल श्याम कहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि लिखने को तो रूप तुम्हारा शीतल श्याम कहूंगा, लेखक हूं लिख के ही शब्दों से सम्मान कहूंगा, रूप तुम्हारा दर्शाने को शब्द भी कम पर जाएंगे, रूप तुम्हारा दर्शाने को शब्द भी कम पर जाएंगे, लेकिन इतने पर ही मैं पूर्ण विराम कहूंगा। तो फिर इंतजार है किसी न किसी दिन पूरा होगा, शायद हो जाए, मुमकिन। हाँ, तो मैंने इसके लिए कुछ लिखा था कि मैं सिर्फ सी प्रतीक्षा करूंगा तुम गौरा बनकर आओगी क्या, मैं विरह में खो जाऊंगा तुम फिर से मुझ में समाओगी क्या, मैं बर्फ सा जम जाऊंगा मुझको पिघला पाओगी क्या, मैं खुद से पहले तुम्हारा नाम लगाऊंगा तुम वहां तक साथ चल पाओगी क्या, मैं
मैं खुद से पहले तुम्हारा नाम लगाऊंगा, तुम वहां तक साथ चल पाओगी क्या? मैं शंकर सा कभी रूठ जाऊं तो माँ गौरा सी मनाओगी क्या? और मैं तो जन्म जन्मांतर से तुम्हारा हूँ, और मैं तो जन्म जन्मांतर से तुम्हारा हूँ, तुम फिर से मुझे अपनाओगी क्या? कुछ दिन पहले मुलाकात हुई इससे, बहुत छोटी सी मुलाकात हुई, तो लगभग 2 मिनट का बात हुआ, तो उस पर मैंने 2 लाइन लिखा है कुछ कि उसने मुझसे पूछा एक दिन, क्या अब भी मुझे याद करते हो? तो मैंने उस टाइम तो कह दिया, क्योंकि हम लोग कूल डूड बनते हैं एकदम, सबके सामने सख्त बनते हैं, पर होते नहीं हैं, लड़के अंदर से सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। मैंने कह दिया नहीं, अब मैं तुम्हें याद नहीं करता, पर उन्हें अब ये कौन बताए, हम अब भी उनसे मिलने की फरियाद करते हैं। याद आना तो बहुत छोटी सी बात हो गई, हम अब भी उनसे बिछड़ने के तकलीफ में खुद को बर्बाद करते हैं। वो नहीं है तो क्या हुआ, वो नहीं है तो क्या हुआ, हम हर रात आंखें बंद होते ही उनसे मुलाकात करते हैं। तो इतना ही, अब मैं थैंक यू।